दोस्त स्कूल के फ्रेंड है, बचपन से दोस्त। आगे चल के एक व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है और एक व्यक्ति गरीब रह जाता है। अमीर व्यक्ति विदेश में रहता है, एक दिन वो छुट्टी लेके आता है तो पहले अपने दोस्त को ढूंढता है जो स्कूल का फ्रेंड होता था, और उसका एड्रेस मिल जाता है, उसके घर में पहुंच जाता है। पहुंच के देखता है उसका गेट कई सालों से पेंटिंग नहीं हुआ है। फिर गेट के अंदर जाता है, दरवाजा देखता है, दरवाजा भी कई सालों से पेंटिंग नहीं हुआ है, और जो उसका बरामदा है ना, जाले लगे हुए हैं, कॉलिंग बेल भी टूटा फूटा है। इसी तरह दरवाजा को गट करता है, फ्रेंड खोलता है, फिर ये घर के अंदर लेके जाता है। वो देखता है कि कई सालों से पेंटिंग नहीं हुआ है घर, और जाले लगे हुए हैं, कुर्सी के ऊपर भी धूल मिट्टी जमे हुए हैं। तो वो फ्रेंड फिर उसको समझाते, तू ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करते, साफ सुथरा क्यों नहीं रखते यार। वो बोलता है साफ करके क्या होगा, दो तीन दिन में फिर धूल जम जाएगी, रोज तो धूल जमती है, क्या होगा फिर जम जाएगी, कितने बार साफ करेंगे। तो समझाता वो नहीं मानता है। फिर उनको फिर दोबारा विदेश जाना होता है, तो जाते हुए ना वो इतना खूबसूरत सा फ्लावर पॉट उसको गिफ्ट करता है, और उसको ड्राइंग रूम के कोने में रख देता है। बोलता है तुम मेरा दोस्त है, दोस्ती ही का समय, कुछ भी हो जाए फ्लावर पॉट को तुम नहीं फेंकना है। तो दोस्त है तो दोस्त के बात मानता है। कुछ दिन के बाद कुछ लोग उनके घर में आते हैं, फिर बोलते हैं यार ये फ्लावर पॉट ना बहुत खूबसूरत है, इस घर को इस रूम को शोभा नहीं देता है। तो उसके दिल पे लगता है, तो क्या करता है फ्लावर पॉट के आसपास जाकर भी साफ सुथरा कर देता है, जिस कोने में उसको पेंटिंग कर देता है और कुर्सी को साफ कर देता है। वो कोने वाले हिसाब से जो लोग आते हैं आगे उस कोने में बैठना पसंद करते हैं, बोलते हैं ये कोना कितना खूबसूरत है, बाकी घर से ये कोना बहुत खूबसूरत है। फिर उसको दिल पे लगता है तो उस कमरे को पूरा साफ कर देता है, पेंटिंग कर देता है। फिर लोग आते हैं देखते हैं अरे ये कमरा बहुत बढ़िया, इस कमरे में बैठे वो कमरा कितना गंदा है, ये हॉल कितना गंदा है, फिर वो हॉल को भी साफ कर देता है, फिर पेंटिंग कर देता है। फिर लोग देखते हैं किचन कितना गंदा है, फिर किचन को साफ कर देते हैं। फिर देखते सारे रूम तो ठीक है यार, तेरा बाथरूम ना जाने में मन नहीं करता है, इतना खूबसूरत घर में बाथरूम इतना गंदा है। फिर बाथरूम के सारे घर को पेंटिंग वेंटिंग करके पूरा ठीक कर देता है। फिर लोग आज देखते हैं तेरा घर इतना खूबसूरत है, बाहर का देख गेट देख, फिर गेट को ठीक करता है, पूरा घर खूबसूरत घर में बदल जाता है। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ, खूबसूरत फ्लावर पॉट की वजह से। खूबसूरत फ्लावर पॉट को अपने जिंदगी में अपने घर में उन्होंने जगह दिया। दोस्त माय डियर फ्रेंड्स, आज से एक क्रांतिकारी आदत, एक पॉजिटिविटी आदत आप अपना लीजिए अपने जिंदगी में। देखना ये पॉजिटिव आदत आपको धीरे 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 आपको जिंदगी को कितना परिवर्तन कर देगा, अब कितना चेंज हो जाएंगे। एक आदत अपनाना पॉजिटिविटी चेंज करने का क्रांतिकारी आदत क्या है, सुबह जल्दी उठना क्या आदत हो सकता है, आप अपना लीजिए जिंदगी में। अपलाइन से झूठ नहीं बोलना चाहिए कुछ भी हो जाए, अपलाइन से झूठ नहीं बोलना जब कुछ भी हो जाए। मध्यान के पड़ोसी को मतलब अपलाइन को हमेशा सच बोलना है, अपलाइन को हमेशा कुछ भी आपने कुछ भी गलत किया ना अपलाइन को जरूर बताएं।